नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उनके परिवार के बीच लगातार जो राजनीतिक कड़ाहट है उसका जो दायरा है वो अब बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच जो मनमुटाव है वो इस कदर बढ़ चुका है कि अब एक दूसरे के ऊपर बयानबाजियां इस कदर हो रही हैं जिससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, वो अखिलेश यादव के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। शुरुआत विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही हो गई थी, जब समाजवादी पार्टी ने अपने जीते हुए विधायकों की एक बैठक बुलाई थी और उसमें शिवपाल सिंह यादव को आमंत्रित नहीं किया था। उसके बाद शिवपाल यादव का दर्द भी झलका था। उन्होंने कहा था, जब मैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर आया हूं तो मुझे इस बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया। और जब सपा के नेताओं से ये सवाल पूछा गया था तब सपा के नेताओं ने ये कहा कि ये बैठक सिर्फ सपा के जीते हुए विधायकों की है, ना कि गठबंधन के विधायकों की है। सवाल ये है कि जब शिवपाल यादव 111 विधायकों की सूची में शामिल है जो समाजवादी पार्टी के निशान पर चुनाव जीत कर आए हुए थे, तो आखिर वो गठबंधन के प्रत्याशी कैसे हुए। इतना होने के बाद लगातार जो शिवपाल यादव हैं और लगातार अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच जो राजनीतिक कड़वाहट है उसका दायरा बढ़ते जा रहा है और उस खाई को पाटने की कोशिश भी बिल्कुल किसी भी तरफ से नहीं की जा रही है। शिवपाल यादव उस घटना के बाद से लगातार सुर्खियों में हैं और सुर्खियां भी ये हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी के साथ अपने जो नज़दीकियाँ हैं उसे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही थी कि 19 तारीख को यानी 19 अप्रैल को शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरह की सूचनाएं निकलकर सामने आती रहीं कि शिवपाल यादव का कुछ बीजेपी से बैकडोर से मिलना जुलना चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात हुई थी दिल्ली से वापस लौटने के बाद। हालांकि उस बैठक को, उस मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात बताया गया था। शिवपाल यादव ने कहा था कि मैं सिर्फ शुभकामना, मैं सिर्फ बधाई देने के लिए गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी कुनबे में ये सुबुकाहट होने लगी थी कि शिवपाल यादव का कुछ मामला जो है वो बीजेपी में इस वक्त चल रहा है। उसके बाद एक और कड़ी आई समाजवादी पार्टी के सामने और वो थी उनके सीनियर नेता आजम खान को लेकर के। आजम खान के जो मीडिया प्रभारी हैं फजाहत हुसैन, कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि आजम खान को जेल से निकलना नहीं देना चाहते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था और बिल्कुल उसी रवैये पर अखिलेश यादव इस वक्त खड़े हैं। जब से आजम खान जेल में है तब से अखिलेश यादव मुलाकात करने तक नहीं गए। अखिलेश ने आजम परिवार से बात करना भी ठीक नहीं समझा। उन्हें मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन मुस्लिमों के कपड़ों से उन्हें बदबू आती है। तो यह साफ साबित हो गया कि अखिलेश यादव से जो आजम का कुनबा है वो भी काफी नाराज है और उसका यह जीता जाता सबूत है कि जब फजाहत हुसैन का यह बयान आया था तो उसके बाद आजम खान के परिवार से किसी ने भी इस बयान का खंडन नहीं किया था। किसी ने यह नहीं कहा था कि यह फजाहत हुसैन का अपना बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उसके बाद भी कई ऐसे मुस्लिम नेता थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी से अपनी कन्नी काटती हुई पत्र लिखे, आरोप लगाए कि अखिलेश यादव मुसलमानों को नहीं पूछ रहे हैं। अगर पूछ रहे होते तो क्यों उन्होंने आजम खान को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। अब एक और नया ताजा मामला निकलकर सामने आया है। कल अखिलेश यादव आगरा में थे। आगरा में जब उनसे शिवपाल सिंह यादव को लेकर के सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि जिनकी नज़दीकियां बीजेपी से हैं उनकी जगह समाजवादी पार्टी में नहीं है। साफ तौर पर शिवपाल सिंह यादव को इंगित करके ये बयान दिया गया है लेकिन नाम नहीं लिया गया। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये बयान किसके लिए था, लेकिन बीते दिनों से जो हवा चल रही है उस हवा से तो ये साफ साबित होता है कि लगातार शिवपाल सिंह यादव बीजेपी के संपर्क में है और इसी को देखते हुए अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। उसी का पलटवार आज शिवपाल सिंह यादव ने कहा किया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव का ये बयान गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर उन्हें लगता है कि मैं बीजेपी के संपर्क में हूं तो मुझे विधानमंडल दल से निकाल क्यों नहीं देते। मैं अभी भी समाजवादी पार्टी से जीता हुआ विधायक हूं,
111 विधायकों में शामिल हूं, समाजवादी पार्टी मुझे अपना विधायक नहीं मानती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से समाजवादी हूं। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं मेरा उनसे संपर्क को लेकर के, ये आने वाले दिनों में आने वाले समय में बताया जाएगा और आप सबको पता चल जाएगा कि आगे की रणनीति क्या है। यानी बहुत कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में और उस राजनीतिक परिवार में, उस राजनीतिक पार्टी में जो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना है और इस वक्त विपक्ष में बीजेपी के खिलाफ है। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो यही अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आजम खान, इन नेताओं की जो मंडली थी इसके बल पे विपक्ष खुद को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहा था। वो कह रहा था कि वो समय भी आएगा जब विधानसभा में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में मौजूद रहेंगे, उनके साथ आजम खान रहेंगे, उनके साथ शिवपाल सिंह यादव रहेंगे और वहां पर बीजेपी को काफी समस्याएं होंगी। लेकिन विधानसभा का पहला सत्र भी नहीं हुआ कि उसके पहले ही विपक्षियों के अंदर इतनी बड़ी फूट, इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि अब ये सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर अब आगे की रणनीति क्या है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, शिवपाल सिंह यादव की, और ये जो बयान लगातार एक दूसरे के खिलाफ दिए जा रहे हैं, आखिर इससे जनता क्या अनुमान लगाए कि क्या जिस विपक्षी दल को उन्होंने इतना मजबूत उत्तर प्रदेश में किया है वो दरअसल अलग हो गए। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। वो देखिए, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा, ये जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये, नहीं मैंने नहीं भेजा, क्या बातें करते हो तुम, पत्रकार हो क्या, हो बेईमान हो क्या, बेईमान है आप, नहीं बेईमान हो क्या, हाँ तो बहुत शरीफ रहो। गैर राजनीतिक जो सवाल पूछा गया है, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। वैसे तो हम तो समाजवादी पार्टी के 111 विधायक जो जीते उन्हीं में से मैं हूँ और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा हूँ, तो अगर उनको ऐसा लग रहा है तो शीघ्र हमें समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दें। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ, फिर इस डिबेट को मैं शुरू करूंगा। हमारे साथ दिवाकर सिंह जी बीजेपी से हैं, इसके अलावा मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, गौतम रानी सागर हमारे साथ प्रसपा से हैं, इसके अलावा जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मनीष शुक्ला जी हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गौतम जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि लगातार आप लोगों के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं और ये प्रहार सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं है, कई और राजनीतिक दलों की तरफ से है, कुछ जनता के भी सवाल हैं जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि लगातार समाजवादी पार्टी में जो बगावती सुर हैं वो खड़े हो रहे हैं, आजम खान को ले लिया जाए या शिवपाल सिंह यादव को ले लिया जाए, आप अखिलेश यादव के इस बयान को किस नज़र से देखते हैं जो उन्होंने ये दिया है कि जिनका संपर्क बीजेपी से है उनका संपर्क हमसे खत्म हो जाए तो ठीक है, क्योंकि इसी तरह का कुछ बयान उन्होंने दिया है, आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? कहा जा रहा है ये बयान शिवपाल सिंह यादव के लिए दिया गया है, क्या रणनीति है आप लोगों की, क्या अगला कदम होना है? सच्चा समाज उसके ऊपर हो रहे हर प्रहार को वो आहार के रूप में स्वीकार करता है और वो आहार समाजवाद की स्थापना के लिए कारगर होती है। अखिलेश यादव द्वारा दिया गया है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसमें बचकाना हरकत है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि राजनीतिक परिपक्वता बिल्कुल नहीं दिखती। अच्छा, इस तरह से आरोप लगाने से पहले प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राजनीतिक परिपक्व नहीं है, बयान तो यही बताता है।
अच्छा, बयान स्पष्ट संकेत यही देता है, जिस समय समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है इस प्रदेश में और खास तौर से देश के नेतृत्व करने की जरूरत है, उस समय इस तरह के बयान देकर लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ने का प्रयास किस दिशा में आप सोचेंगे या किस दिशा में इसको लिया जा सकता है, बेहतर समझते हैं? ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से भी कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा कि आप लोग किधर हैं, इस नाव पे हैं कि उस नाव पे हैं या किसी और नाव पे बैठने की तैयारी चल रही है। जो व्यक्ति इतनी बड़ी पार्टी की तिलांजलि दे करके एक सीट के लिए आप समझौता कर ले और केवल इसलिए कि इस प्रदेश को समाजवादी सरकार की आवश्यकता है, एक ऐसी निर्मम सरकार को हटाने बेदखल करने की जरूरत है, उससे बेहतर प्रमाण और आप क्या चाहते हैं? बावजूद इसके अगर आप ये कहें कि आरोप प्रत्यारोप, इससे ज्यादा त्याग कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत हो सकता। इवन पार्टी की मंशा के खिलाफ उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके उस पार्टी से चुनाव लड़ा, उसके चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा, यानी एक तरह से ये माना जाए, इनडायरेक्टली भी कहा जाए कि ये वो पूरी तरह से समाजवादी ही हो गए। बावजूद इसके इस तरह के आरोप लगाए जाने को अगर आप अपरिपक्व बयान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये सब चीजें रची जा रही है और इसमें बीजेपी का हाथ है? देखिए, हम किसी को दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। हम अगर कमजोर हैं तो हम किसी की भी रणनीति के हिस्सा हो सकते हैं, अगर हम मजबूत हैं तो किसी की रणनीति कारगर नहीं हो सकती। अब ये कहा जाए कि ये बयान भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश जी के मुंह में डाल दिया तो ये तो संभव नहीं है ना। बयान अखिलेश जी का दिया है तो हम बयान इसीलिए दे रहे हैं ना क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग की नजदीकियां हैं, इसीलिए उन्होंने बयान दिया है। हमारी नजदीकियों का इस तरह से अगर साजिश है ये वर्ड यूज करना कि हमारी नजदीकियां हैं, वो प्रमाण प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए कि कहां से नजदीकियां आपको दिखती है। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब संसदीय दल की बैठक आपने बुलाई हमें क्यों नहीं आमंत्रित किया, तो इसमें कहां से नजदीकियां आ गई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने वो संसदीय दल की मीटिंग बुलाई थी क्या जिसमें हमें अलग कर दिया गया और ये कहा गया कि भाई आप नहीं आएंगे? तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जाना चाहिए। इस समय राजनीतिक परिपक्वता प्रदर्शित करने का वक्त है, ठीक है, और इस वक्त पे चूकना नहीं चाहिए, हम ये कह सकते। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। मयंक, गौतम जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का ये जो बयान है ये उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है और इसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया है, उनको राजनीतिक समझ नहीं है। और शिवपाल जी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा संपर्क बीजेपी से है तो मुझे निकाल क्यों नहीं देते? तो पहली चीज़ तो ये कि अखिलेश जी ने ये बयान क्यों दिया, किसके लिए दिया, और दूसरी चीज़ गौतम जी जो कह रहे हैं अपरिपक्वता की बात, वो क्या सही है? नितिन जी, जो सपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी अपरिपक्व, पहले तो इन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि ये लोग जो अफवाहें जो उड़ी हुई हैं मार्केट में, इन अफवाहों को लेकर अपने गठबंधन के साथियों के ऊपर ऐसे मतलब घिनौने तरह से ये लोग बातचीत करते हैं, तो अपरिपक्वता तो यही झलक जाती है। और जो ये लोग अफवाहों में आ जाते हैं, हकीकत को तलाश करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, ठीक है, हकीकत तो सामने आ जाती है। अफवाहों के लिए अफवाहें तो घर बैठे मिल जाती हैं, तो ये लोग अफवाहों में अभी तक उलझे हुए हैं। और अखिलेश यादव जी ने वहां पर नाम नहीं दिया किसी का, ना किसी दल का नाम दिया। जब पूछा गया, भाई कई ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टच में, अच्छा, तो उन्होंने उन नेताओं के लिए कहा, ना कि माननीय शिवपाल जी के लिए। क्योंकि शिवपाल जी समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई तो वो संस्थापक सदस्य रहे, तो इससे तो लग रहा है आप लोग और कमजोर हो जाएंगे क्योंकि कई सारे नेता आपने खुद कहा कि बीजेपी के संपर्क में है। देखिए, वो नेता व्यापारी प्लस नेता की बात मैं कर रहा हूँ, जो व्यापारी होते हैं,
जो मौका देखकर आए थे कि सरकार आ रही है, जुड़ गए थे, अभी फिर वो फिर वापस उधर जा रहे हैं, फिर सरकार जिसकी जाएगी उधर चले जाते हैं। तो मैं जो बता देना चाहता हूँ, जो बयानबाजी हो रही है इधर उधर से, तो जो शिवपाल जी ने बयान दिया है कि हमको निकाल दिया जाए, देखिए जो 111 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं उनमें एक माननीय शिवपाल यादव जी भी हैं, और जो समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें माननीय शिवपाल जी को और पल्लवी पटेल जी दोनों लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि पल्लवी पटेल जी भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही विधायक, और उनका भी अपना एक दल है और माननीय शिवपाल जी का भी अपना एक दल। तो वो जो मीटिंग थी, जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो समाजवादी पार्टी के मेंबर, उनको बुलाया गया था। और जब अगले दिन साथी गठबंधन साथियों की बैठक हुई, जिसमें सुहेल देव पार्टी के सदस्य आए, आरएलडी के सदस्य आए, पल्लवी पटेल जी ने अपने प्रतिनिधि को भेजा, तो उस दिन माननीय शिवपाल जी ने अपनी पार्टी के किसी प्रतिनिधि को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि उस दिन वो दिल्ली थे। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए अगर ये बातें उठ रही हैं पूरे मार्केट में, पूरे बाजार गर्म है सवाल को लेकर के क्या शिवपाल जी का कुछ संपर्क है बीजेपी से, तो आप लोग उनको बुला करके बातचीत करके सारी चीजों को फाइनल क्लियर क्यों नहीं कर देते? क्यों इस तरह के बयान पहले अखिलेश जी दे रहे हैं फिर शिवपाल जी दे रहे हैं? इससे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कमजोर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यह कहीं नहीं कहा कि शिवपाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी के टच में, कोई एक समाजवादी पार्टी का नेता हो शिवपाल जी काम करना परिपक्व, हाँ बोलिए, अपरिपक्व लोगों को हर चीज अपरिपक्व ही लगती है, तो जो अपरिपक्व लोगों इस तरह की बातों का जवाब देना कोई जरूरी मैं नहीं समझता हूँ। मैं माननीय शिवपाल जी और माननीय अखिलेश यादव जी के जो बयानों को लेकर जो अफवाहों का बाजार कर रहे हैं, मैं उस पर कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी ने कहीं भी किसी भी दल का और किसी भी नेता का नाम नहीं लिया अपने बयान में, और माननीय शिवपाल यादव जी ने साफ शब्दों में कहा कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक बने हैं, और उनकी एक अपनी बात है, उन्होंने अपनी बात कही, वो सीनियर लीडर है, उनकी उस बयान पर मैं कोई वैसी बात नहीं बोलना चाहूंगा। और जो बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है या नहीं है, इसके अभी कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, और शिवपाल जी ने अपने बयान में यह भी कहा कि उन्होंने अपने संगठन को भंग किया है और उसको दोबारा बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो अगर बयान में तो बहुत कुछ कहा है मयंक भाई, बयान में तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप लोग को लगता है तो मुझे निकाल ही दिया जाए विधानमंडल दल से, फिलहाल मैं आऊंगा आपके पास, दिवाकर सिंह जी हमारे साथ, मैं आऊंगा आपके पास, दिवाकर जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। दिवाकर जी, अखिलेश यादव ने कल ये जो बयान दिया था उस पर आज पलटवार आया, अखिलेश यादव ने कहा था कि जो नेता बीजेपी के संपर्क में है वो समाजवादी पार्टी से अलग हो जाए, अलग रहे, या समाजवादी पार्टी के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं है। आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी में एक बड़ा बिखराव हो चुका है जो कि कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर अंदर काफ़ी कुछ बड़ा हो रहा है? नितिन जी, आपने शुरुआत में कहा कि एक राजनीतिक घराना है, अब एक घराने की बात है ना, एक घर में जो कलह होता है उस तरह की कलह बाहर निकल रही है, तो पार्टी कम और घराना ज़्यादा है, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, इनका आंतरिक मामला है, और काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, बयान हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का सुना और माननीय शिवपाल जी का भी सुना, एक घराने की कलह है, इस घराने की कलह से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना हमारी समझ से नहीं है, हमारी समझ किसी हमारे बड़े नेता का बयान नहीं है, अगर हमारे बड़े नेता कोई निर्णय लेते हैं तो स्वीकारयुक्त है, ये बड़े स्तर का मामला है, और हमारे इस मैटर को बड़े नेता जब समय आएगा तो अपना जवाब देंगे कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। इनकी घरेलू झगड़ा, एक तरह घरेलू झगड़ा जो होती है कई बार हुआ, हम माननीय शिवपाल जी की तारीफ इसलिए थोड़ा सा करेंगे कि उन्होंने जैसे आपने एक शब्द कहा प्रसपा के प्रवक्ता जी ने, निर्मम सरकार, पहले इसका मैं विरोध करता हूँ कि अपनी भाषा में सुधार करें, ये निर्मम सरकार रहती तो दोबारा सत्ता में नहीं आती, जैसे आप लोग थे,
आप लोग दोबारा सत्ता में नहीं, लेकिन उस शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा। यह निर्मम सरकार नहीं है, जनता के लिए है, जनता की सरकार है और जनता का काम कर रही है, गरीब मजलूमों की सरकार है, नियम कानून एक होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी कोई भी निर्णय लिए, अभी करंट निर्णय लिए हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज कैंपस से बाहर नहीं जानी चाहिए, इसका पालन कौन सबसे पहले किया? मथुरा मंदिर में लाउड स्पीकर की आवाज तुरंत बंद कर दी गई और कैंपस से बाहर नहीं जा रही है, जहाँ भी देखिए। तो मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी वर्ग अब उस पर हम नहीं जाएंगे, इन लोगों की बात तो अलग है, ये लोग एक कुनबा जो आप घराना कहे कुनबे के लिए काम करते हैं, चाहे आप हम और आप बातें में नहीं जाएंगे। आजम खां की बयान आपने कहा, इंद्र शिवपाल जी का कहा, एक बातें अलग है, लोग तो अपने परिवार की बात आप कर रहे हैं, आजम खान भी तो ना, आपने नाम लिया आजम खां का, तो इसलिए आजम खां का नाम ले रहे हैं, आजम खां के प्रतिनिधि का बयान आया था। तो ये घरेलू झगड़ा की तरह से इन लोगों की झगड़ा हो रही है, पार्टी हित में सशक्त विपक्ष की जो हम लोगों को उम्मीद थी कि एक सशक्त विपक्ष भी चाहिए, समालोचना होनी चाहिए, सरकार चला रहे हैं, जो आपको लगे उसका सदन उचित माध्यम है, उसमें आप अपने सुझाव रखें, सरकार उस सुझाव को मानती भी है, इसीलिए सदन चलती है। लेकिन सशक्त विपक्ष, हम मुख्यमंत्री जी भी कहे कि सशक्त विपक्ष की हम सराहना करते हैं, सशक्त विपक्ष जो है हमारा अपना काम करे, विपक्ष जैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सदन के समय भी कहा कि हम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और इनके घरेलू जो हैं, कि शिवपाल जी क्या कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, आजम खां साहब क्या कर रहे हैं, प्रसपा के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, पहले तो इन लोगों से समझिए कि प्रसपा अलग पार्टी है कि सपा की है। सपा और प्रसपा, माननीय शिवपाल जी बड़े नेता हैं, वो अपने आप को कह रहे हैं मैं सपा का विधायक हूँ, उनके सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो प्रसपा के विधायक हैं, पल्लवी पटेल को जोड़ रहे हैं। उन्होंने बकायदे, हम लोगों को जानकारी है, सपा के प्रवक्ता महोदय शिवपाल जी ने बकायदे प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है आपकी, पल्लवी पटेल जी ग्रहण की कि नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन शिवपाल जी के बारे में जहां तक मैं जानता हूं कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता सपा की ग्रहण की और सपा के टिकट पे चुनाव लड़े, और शिवपाल जी कह रहे हैं मैं सपा का मेंबर हूं। तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ये आप लोगों का मामला आप लोग देखिए, इसमें मुझे बहुत कुछ नहीं करना, सारी आग लगा के कह रहे हैं। मैं केवल इनकी बातों का, प्रसपा के नेता का विरोध करता हूं कि सरकार का कुछ कहना है तो बिना प्रमाण के आरोप मत लगाइए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और घोर विरोध करता हूं। गौतम जी सुन लीजिए, घोर विरोध करता हूं आपके बातों का, ठीक है, और इसका दूरगामी परिणाम आप खुद भोग रहे हैं इन्हीं शब्दों की वजह से। शब्दों की मर्यादा संयमित रहनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा संयमित नहीं रहे तो इसी तरह से बवाल होता है जैसे आप लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से हैं। सुभाष जी, अभी इस डिबेट के जरिए पता चला कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था वो किसी के लिए नहीं था, वो बहुतों के लिए था जो बीजेपी के संपर्क में। मयंक यादव भी इस बात को कह रहे हैं, सुबह भी मेरी चर्चा कुछ लोगों से हुई तो उन्होंने भी इस बात को कहा। तो शिवपाल यादव उसी बयान को लेकर काउंटर क्यों कर रहे हैं अगर वो उनके लिए नहीं दिया गया था? तो नितिन जी, मयंक जी ने बोला कि शिवपाल सिंह यादव जी ने जो बयान दिया या अखिलेश जी ने जो बयान दिया वो शिवपाल सिंह यादव जी के लिए नहीं था, वो उन नेताओं के लिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के टच में है। तो यहाँ पे स्पष्ट करने वाली बात ये आ जाती है कि अगर शिवपाल सिंह यादव जी के लिए बयान नहीं था, जो दूसरे, जैसा कि मयंक भाई ने बोला कि जो दूसरे ऐसे लीडर हैं जो व्यापारी भी हैं और लीडर भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, तो उनकी तरफ से जो चीज़ आनी चाहिए, जो ओपिनियन आना चाहिए या जो चिड़न की वजह से जो बयान आना चाहिए था, वो बयान तो नहीं आया। वो बयान शिवपाल सिंह यादव की तरफ से आया कि गौतम जी कह रहे हैं यहां परिप्रेक्ष्यता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी चीज पे आ रहा हूं मैं। तो अगर वो शिवपाल सिंह यादव जी के लिए बयान नहीं था, उन नेताओं के लिए बयान था जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, तो उनको चुभना चाहिए था। उनको क्यों नहीं चुभा भैया मयंक जी? ये शिवपाल सिंह यादव जी को क्यों चुभा? और दूसरी बात, राजनीति के अंदर मैं समझता हूं कि ये जो मर्यादाएं होती है, उस मर्यादाओं का सब पालन करते हैं कि एक शिष्टाचार भेंट होती है, वो चाहे किसी भी पक्ष का रहे, चाहे किसी भी पार्टी का रहे, वो मायने नहीं रखता। अगर शिवपाल सिंह यादव जी शिष्टाचार भेंट के नाते अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर से मिल रहे हैं या योगी आदित्यनाथ जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री अगर उससे मिल रहे हैं, तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो अगर अखिलेश यादव अगर इसको इश्यू बना रहे हैं, तो फिर सबसे पहले उनको एलिगेशन अपने पिता श्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए ना, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, तो उनको संरक्षक क्यों बनाया गया है? उनको सबसे पहले पार्टी से निकाल दो। निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? तो राजनीति के अंदर शिष्टाचार भेंट होती रहती है,
उसको अगर कोई अन्यथा ले रहा है तो वो उसकी पागलपन बोले या कुछ और भी बोल सकते हैं, वो अलग चीज है। रही बात राजनीतिक अपरिपक्वता की, जो बयान देने वाली बात है हमारे प्रवक्ता महोदय जो गौतम राणे सागर जी ने बोला है, तो मैं समझता हूं कि अपरिपक्व बयान नहीं था, क्योंकि वो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके बयान में कहीं ना कहीं कोई चीज है जो कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करती है, एक इशारा करती है। उस इशारे को शिवपाल सिंह यादव बखूबी समझ चुके हैं, शायद गौतम राणे साहब भी समझ रहे होंगे, लेकिन वो उसको बोलना नहीं चाह रहे होंगे। लेकिन अगर वो ये बोल रहे हैं कि बचकाना बयान है, तो भैया उसी पार्टी से साथ में जुड़ के ही आप लोगों ने अलायंस किया। जैसे भी उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत ही सेक्रीफाइस किए, 5 सीट से 10 सीट पाए, 10 से 15 पाए, लास्ट में उनको 1 सीट मिली, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने त्याग किया ना। अगर जब त्याग किया उन्होंने अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा बुला दिया, यानी आपको मेजोरिटी नहीं दी, तो जब आपने त्याग किया तो उस त्याग के साथ ही अपने भतीजे के साथ में क्यों नहीं मिलके रहते? तो त्याग नितिन जी यहाँ पे एक अलग चीज है। राजनीति के अंदर सबकी एक महत्वाकांक्षाएं होती है, वो महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं शिवपाल जी यादव के अंदर भी हिलोरे मार रही है, तो उस महत्वाकांक्षाओं को ये लोग बताना नहीं चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसको त्याग की परिभाषित कर रहे हैं। तो मैं त्याग नहीं मानता, क्योंकि राजनीति के अंदर कुछ भी त्याग नहीं होता यहाँ पे। अगर त्यागी होता तो मैं समझता हूँ कि समाजवाद की जो परिभाषा है, वो समाजवाद की परिभाषा को ना तो शिवपाल यादव परिभाषित कर रहे हैं, ना अखिलेश यादव परिभाषित कर रहे हैं। समाजवाद कहां बचा, ये तो परिवारवाद बच गया ना। आज राजनीतिक रूप से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष के अंदर विशुद्ध रूप से सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है मुलायम सिंह यादव का परिवार, तो समाजवाद बचा ही कहां यहां पे? तो कम से कम उसको परिभाषित करें। ठीक है, ठीक है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मनीष जी, आप अखिलेश यादव के इस बयान को और फिर उस पर शिवपाल यादव के इस पलटवार को किस नजर से देखते हैं? क्या मानते हैं कि सपा परिवार में बहुत कुछ बेहतर नहीं चल रहा है, यादव कुनबे में एक अलग ही लड़ाई जो है वो छिड़ी हुई है? देखिए, यादव परिवार की जो राजनीति है वो आज बिल्कुल फिल्मों की तरह हो गई। जैसे फिल्मों में बाहुबली पार्ट वन था, फिर कॉन्क्लूजन था, और वही आजकल चल रहा है। शिवपाल जी बिल्कुल साबित करने पर तुले हुए हैं कि वो अगर भतीजे हैं तो वो उनके भी चाचा हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया आज कि भैया निकालना हो मैं निकाल दो। अखिलेश जी ने कल जो बयान दिया, हो सकता है उनका संदर्भ सीधे सीधे शिवपाल जी पे ना रहा हो, या उन्होंने एक नरेटिव सेट किया हो, एक संदेश दिया हो, लेकिन बराबर की राजनीति चल रही है और ये वर्चस्व और एक दूसरे को कमजोर करने की लड़ाई, क्योंकि जो चुनाव है वो बीत गया और चुनाव के बाद जो एक आपसी गुट होती, अगर सरकार बन जाती सपा की तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होता। अब इस समय आजम खान भी अपना एक अस्तित्व चाह रहे हैं, उनको जो मिलना था वो नहीं मिला और निश्चित रूप से वो निग्लेक्ट हुए हैं, और उसके बाद में शिवपाल सिंह यादव जो है वो अपना भविष्य देख रहे हैं कि उनका सपा में क्या होगा, उनके जो लड़का है उसका वो भविष्य देख रहे हैं कि उसको किस तरह से स्थापित किया जाए। तो निश्चित रूप से भाजपा एक विकल्प हो सकता है और भाजपा के संपर्क में हो सकते हैं। अगर भाजपा के संपर्क में नहीं है, मान लीजिए शिवपाल सिंह और आजम खान का एक विकल्प दोनों का बनता है, तो भी राजनीति यूपी की एक नया मोड़ ले सकती है। जो शिवपाल जी हैं वो उन्होंने निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जी की छत्र छाया में सपा को बहुत बढ़ाया, और वो जमीनी स्तर के नेता हैं, और उनकी छवि एक यादव नेता की भी रही है। उन्होंने जो है एक एक कार्यकर्ता को बाई नेम उनके घरों के एड्रेस के थ्रू जानते हैं। अखिलेश यादव बहुत बाद में राजनीति में आए और उन्होंने बड़ी तेजी से अपने आप को साबित किया और वर्चस्व की लड़ाई में वो आगे निकल गए। तो शिवपाल जी जो इस रेस में पीछे हैं, वो अपने आप को आगे करने के लिए निश्चित रूप से वो ये साबित करेंगे कि भाई हमें निकाल दो, तो वो विक्टिम कार्ड भी खेल सकते हैं। राजनीति में देखिए, कोई भी ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन है, हर चीज जो है एक नरेटिव के आधार पर चलती है। अगर आजम खान या शिवपाल एक हो रहे हैं या फिर शिवपाल जी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक संदेश है। और अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है वो स्पष्ट है कि वो विरोधियों जो अपने विरोधी चाहे पार्टी के अंदर हो, वो साफ तौर पे उनका एक एक निश्चित रूप से संदेश देने का स्टाइल है कि वो बोल देते हैं कि ठीक है अगर जा रहे हो तो जाओ, वो मनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, और शायद ये उनकी एक मजबूती भी हो सकती है और कमजोरी भी हो सकती है। तो इसके निश्चित रूप से हमें 1-2 महीने में जो निष्कर्ष है वो सामने जरूर आएगा, और आप देखेंगे कि राजनीति जो सपा की है और भी मुखर होगी अभी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। गौतम राणे सागर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले मेरे 1-2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि एक बयान को लेकर जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी मयंक यादव ने कहा कि वो बयान में किसी का नाम नहीं लिया गया था, तो जब नाम नहीं लिया गया था तो आप लोगों ने सबसे पहले उसका काउंटर क्यों किया? क्यों आप लोगों को लगा कि ये बयान आप ही लोगों के लिए दिया जा रहा है? सबसे पहले सब जो बयान दिया गया है, किन प्रश्नों के
प्रश्नों का उत्तर देते हुए दिया गया। खास तौर से जो प्रश्न किए गए थे वो माननीय शिवपाल यादव जी को लेकर के किए गए थे, उस पर दिया गया बयान। अच्छा, और तो ये मयंक यादव क्यों कह रहे हैं कि शिवपाल जी के लिए नहीं था वो? बयान दिया और दिया। आपका ऑडियो कुछ डिस्टर्ब कर रहा है गौतम जी, कुछ ऑडियो आपका डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। तो ये कह रहे थे कि जिन संदर्भों में, जिन परिस्थितियों में और जिस अवसर पे दिया गया ये जवाब है, हाँ, उस जवाब वो सीधे सीधे बाइट नहीं दे रहे जी, वो प्रश्नों का जवाब दे रहे जी। और प्रश्न माननीय शिवपाल यादव जी को लेकर के किया गया था और उस समय गुस्से में दिया गया बयान। और जब गुस्से में दिया गया बयान है, हमारे बड़े ही काबिल दोस्त ये कह रहे थे इसको वो एक बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपरिपक्व बयान नहीं कहा जा सकता, अपरिपक्व बयान पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, इवन मुख्यमंत्री भी दे सकता है। अगर अच्छा। उसका बयान अपरिपक्व है तो मुख्यमंत्री भी अपरिपक्व बयान दे सकता है, ये कोई योग्यता नहीं होती, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होती। गौतम जी, सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुभाष जी की सुन लीजिए फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी सुभाष जी। गौतम जी मेरा एक छोटा सवाल है, यानी कहीं ना कहीं आप मेरी बात को एग्री तो कर ही रहे हैं कि ये आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो बयान है वो अपरिपक्व भी नहीं है और परिपक्व भी नहीं है। दूसरा, आपने ये बोला कि जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो स्पेशली उनको उन्होंने सवाल जो किया था वो शिवपाल सिंह यादव जी को लेकर सवाल किया था, यानी आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर ही, अखिलेश यादव जी ने मैसेज दिया शिवपाल सिंह यादव जी को कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो नजदीकियां बढ़ा रहे हैं उनके लिए समाजवादी पार्टी में कोई स्थान नहीं है, आप इस बात पे मोहर लगा रहे हैं? देखिए, जिस तरह का बयान दिया गया है इसीलिए कहा गया कि हम शिवपाल यादव जी ने इसीलिए कहा, स्पष्ट तौर से कहा कि अगर आपको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं तो आप हमको निकाल दीजिए। ये स्पष्ट मत है, इनका इससे स्पष्ट बयान कोई हो ही नहीं सकता। जब शिवपाल जी ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि हमारी नजदीकियां बढ़ रही है तो आप हमें पार्टी से निष्कासित कर दीजिए, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो? यानी आप इसको स्वीकार कर रहे हैं कि बयान शिवपाल सिंह यादव जी को लेके दिया गया था, इसको स्वीकार कर रहे हैं आप? Exactly. ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और थी, ये दिवाकर जी थोड़ा भड़क रहे थे, वो कह रहे थे कि आपने निर्मम सरकार क्यों बोला? Exactly. Let me come on the point. हाँ जी, निर्मम सरकार में, निर्मम सरकार ही नहीं, हाँ, इतना इस तरह से चुनाव जीत लेना खरीफ से, धोखे से, इलेक्शन कमीशन के सहयोग से चुनाव जीत लेना, ये प्रमाण खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, दम है नहीं और चले हैं, ये कहावत है, मत कहवाइए, खिसियानी बिल्ली खम्मा मत नोचिए, अंगूर खट्टे हैं बस करके काम चला लीजिए, अंगूर खट्टे हैं करके काम चला लीजिए, ये गलत बात है, ये तरीका बात करने का नहीं है। क्या बात करें, आप निर्मम बना देंगे बिना किसी प्रूफ के? क्या तरीका हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है? आप अपने घर की झगड़ा को निर्मम सरकार बनाएंगे, एक तरफ आप बयान दे रहे हैं, आप निर्मम बनाएंगे, मतलब अंगूर खट्टे होकर के आरोप इलेक्शन कमीशन पे आप लगा रहे हैं, कोई नहीं लगाया, जब आपके पक्ष में होगा इलेक्शन कमीशन ठीक है, आपके पक्ष में नहीं चलता वोट की तरह से मुंह में हाथ डालिए। अभी आप बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? आप दार्शनिक बने थे, क्या बने? अब आप गुंडे की परिभाषा बोल रहे हैं, गलत बात है, आप गुंडे की भाषा नहीं, आप गुंडे की भाषा बोल रहे हैं, आप गुंडे की भाषा बोल रहे हैं, चुप, आप जो है गुंडे की भाषा मत बोलिए, निर्मम सरकार नहीं, जनता बनाई है सरकार, बात कर रहे थे, हमने आपको नहीं टोका, हमने टोका आपके, हमने आप गलत बोलेंगे तो टोकेंगे नहीं, आप लोग चरित्रवान लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, कितना है हम लोग, आप जनता को बताइए, तांत्रिक लोग हैं, आप जनता में जाइए और बताइए, अधिकार होता है अपनी बात रखने का, अभी बिल बिलाना शुरू कर दिया आपने, जैसे हमें परिभाषित कर दिया, साक्ष्य के मत लगाइए, आरोप लगाना तो साक्ष्य सहित लगाइए, कोई साक्ष्य हो तो आरोप लगाइए, हमने तो बता दिया कि हमारी सरकार निष्पक्ष ढंग से काम कर रही है, जो भी कानून फॉलो हो रहा है सबके साथ हो रहा है,
आपके बाद कभी घोर निंदा करता हूँ और आप जैसे अंगूर इकट्ठे होने की बात मत करिए। भारतीय इतिहास के लोकतंत्र में सबसे भ्रष्टाचारी सरकार। अच्छा भ्रष्टाचारी सरकार भाजपा है, सरकार इतनी अच्छी चल रही है, विश्व में पूरा डंका बज रहा है, प्रदेश का डंका पूरे देश में बज रहा है, और आपके समझ में आप अपने घर की झगड़ा समझाइए। एक सीट माननीय जी लेके आए, कितनी संतुलित भाषा बोल रहे हैं और आप उन्हीं के प्रवक्ता है, क्या बोल रहे हैं? संकुचित सोच की है, संकुचित सोच तो आपकी है, अपने घर की झगड़ा को रोड पे ला दिए आप, झगड़ा कहें घर की झगड़ा को रोड पे ला दिए आप, संकुचित है, संकुचित सोच के लोग समाजवादी आंदोलन को घर का झगड़ा कर, यही अंतर। और का घराना है आप, और क्या है, ये घराना है, ये कुनबा है, और ठीक क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज। घराने आपके चलते थे भाई, घराने आपके म्यूजिक पे चलते थे, हम शास्त्रीय संगीत पे चलते। गौतम जी आपका थोड़ा ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है। घराने ये चलते, अगर आप कहीं मालूम नहीं तो शास्त्रीय संगीत में पढ़ लिया करिए, कुछ अध्ययन कर लिया करिए, काम खास आकर के लड़ने लगते हैं, ठीक नहीं है भाई ये। अरे नहीं, आपकी भाषा संतुलित है, किसी के मुंह में आपकी भाषा संतुलित होनी चाहिए। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को जिसका पूरा पूरी जनता का अपमान कर रहे हैं, इतने लोगों का अपमान, ठीक है, ठीक है, प्लीज, ठीक है, ठीक है, जनता द्वारा चुनी हुई, ठीक है, हो गया आप लोगों का, हो गया, हमारे मुंह में हाथ नहीं डाल सकते आप, ठीक है, ठीक है, प्लीज, हो गया। मयंक यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, मयंक क्या कहना चाह रहे हैं? पहली चीज तो ये कि आप लोग कह रहे हैं कि ये बयान किसी के लिए नहीं था, गौतम जी कह रहे हैं जब शिवपाल जी के लिए पूछा गया तभी ये बयान दिया गया है। दो बातें यहाँ पर उठ गई, आजम खान साहब को लेकर और शिवपाल जी को लेकर। तो जयंत जी आजम खान साहब के घर गए थे, बयान की बात कर रहे हैं तो वो उनके जो साथ रहते हैं उनके बयान पे आधार पे कह रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, जबकि उनके परिवार ने कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया, जयंत जी मिलने गए हुए थे। तो दूसरी बात, अगर शिवपाल जी की बात आती है तो 19 अप्रैल की डेट फिक्स थी, दिल्ली में सदस्यता लेने के लिए डेट फिक्स थी, और उस पर माननीय शिवपाल जी को बताना चाहिए था कि वो सिर्फ अफवाह थी, उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक, ये हो गई प्रवक्ता महोदय बसपा प्रवक्ता महोदय की बात, ठीक है। तो किसकी 19 अप्रैल की थी, शिवपाल जी की? ये 19 अप्रैल की ये मीडिया में बोल रही थी और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल थी, और मैं नाम भी बता दूं उसमें शामिल करवाने वालों में यूपी प्रभारी और गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने की बातें, अफवाहें ये उड़ी हुई थी। अच्छा, मैं उन अफवाहों पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इन लोगों को उन अफवाहों के आधार पर ही ये सब बयानबाजी हो रही है, उन अफवाहों पर इन लोगों को बोलना चाहिए। ये चीजें आप लोगों ने बैठ कर क्लियर क्यों नहीं की शिवपाल जी से कि ऐसा क्या है भाई, ये अफवाह क्यों उड़ रही है? देखिये, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जो गठबंधन के साथी हैं वो सब हम लोग एकत्रित हैं, चाहे जयंत जी हो, पल्लवी जी हो, राजभर जी हो, सभी लोग एकत्रित हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जहां तक कि अभी जानकारी हमें पार्टी द्वारा मिली है, ठीक है। ठीक, और दूसरी बात, मैं सुभाष जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा जो आरोप लगा रहे थे कि परिवारवाद का। सुभाष जी अभी ये बताइए, 2022 का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी से परिवार का कौन चुनाव लड़ा? माननीय शिवपाल जी का उनका अपना एक दल था, वो चुनाव लड़े, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने परिवार से अकेले चुनाव लड़े। तो ये परिवारवाद का जो एक जंजाल बुना गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसमें आप कृपया न फंसे। और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी बहुत देर से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, इनको बसपा प्रवक्ता महोदय ने कहा था कि आपकी सरकार जो निर्मम है। मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्मम है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, इसका प्रमाण मैं ये बता दूं आपको प्रमाण के तौर पर। अभी 3 दिन पहले मड़ियाओ में कमंचावादी गुंडों ने खुलेआम दो दोस्तों को दौड़ा दौड़ा कर 5 थाना क्षेत्रों से होते हुए वो लोग निकले, और 5 थाना क्षेत्रों में लगातार फायरिंग होती रही, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। और उसी के बाद गुड़म्बा थाने में FIR दर्ज होती, उसी गुड़म्बा थाने में परसों क्या कहते हैं, एक सब्जी विक्रेता के ऊपर हमला होता है, पुलिस वहां मौजूद रहती है, पुलिस की मौजूदगी में सब्जी विक्रेता पर हमला होता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी हमारा एक छोटा भाई जो समाजवादी पार्टी का नेता था, KKB का छात्र नेता था, अभी 2 दिन पहले परसों उसकी हत्या हो गई, उसकी भी हत्या PGI थाना क्षेत्र के वृंदावन सेक्टर 10 स्थित बाजार में, फरी बाजार में उसकी हत्या की गई। हत्यारे उसके ऊपर लाठी डंडों और चापड़ धारदार हथियारों से प्रहार करते रहे, पुलिस का कहीं कोई अता पता नहीं है,
ठीक है, और ये तो चार उदाहरण मैंने अपने लखनऊ के दिए, ठीक है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि ये निर्मम हत्यारी सरकार के ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। ठीक, महेंद्र सब महेंद्र सुभाष जी कुछ कह रहे हैं, सुभाष जी कुछ कह रहे हैं, ले लेते फिर आपके पास आते, दिवाकर जी आऊंगा। सुभाष जी, महेंद्र जी अभी आपने मुझे बोला कि जो परिवारवाद की बात मैं कर रहा था, यानी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ या उसके छलावे के अंदर आ गया, आप यही बोल रहे थे ना। तो मयंक जी मेरा आपसे ये सवाल है कि समाजवाद की परिभाषा क्या, उस परिभाषा को परिभाषित कर रही समाजवादी पार्टी? आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की चली बात कर लेता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम से कम ये तो पता रहेगा कि अगला प्रदेश अध्यक्ष या अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहेगा। क्या अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो क्या ये आप बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के भाई प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्या आप ये बोल सकते हैं कि जेपी नड्डा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके कोई रिलेटिव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर ये दावे के साथ बोला जा सकता है कि अगली बार समाजवादी पार्टी का अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो अर्जुन यादव बनेंगे या डिंपल यादव जी बनेंगे। तो ये समाजवाद है या परिवारवाद है? आप 2022 का मुझे हवाला दे रहे हैं कि 2022 के अंदर परिवारवाद के अंदर कितने टिकट दिए गए, 2022 से पीछे चले जाइए ना आप। ये तो आप दाग धुलने का प्रयास कर रहे हैं 2022 के अंदर, लेकिन इसके पहले का जो इतिहास रहा है वो तो समाजवाद की जो परिभाषा है ना, वो समाजवाद की परिभाषा बची नहीं है, परिवारवाद अभी भी आपके हावी है। अगर आप मुझे झुठलाना चाहते हैं तो मुझे आज इस न्यूज चैनल के माध्यम से आप बोल दीजिए कि अगला समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई काम कार्यकर्ता होगा, बता दीजिए मुझे। देखिए सुभाष जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि 2022 से पहले, देखिए 2022 से पहले जो है 17 वाले चुनाव में पूरी तरह से बागडोर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में नहीं थी। उस समय परिवार से माननीय अपर्णा जी और अनुराग जी चुनाव लड़े थे, और जो आरोप एग्जैक्टली उसी चीज को मैं बोल रहा था कि आप 2022 का खाली हवाला दे रहे हैं, अब आप गए फ्लैशबैक के अंदर। यानी इस बयान से यह साबित होता है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी है। ये आरोप आप भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंसकर दे रहे हैं। भैया मयंक जी, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जाल के अंदर फंसूंगा। आप तो सारी बातों को छोड़ के एक सीधा सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए ना, कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुन लीजिए, छोटा सवाल का छोटा सा जवाब आंसर दे दीजिए आप, कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, लेकिन अगली बार भारतीय जनता पार्टी का जो भी अध्यक्ष बनेगा वो संवैधानिक, जो भारतीय जनता पार्टी की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत बनेगा। आप मुझे ये क्या बता सकते हैं, ये वादा कर सकते हैं, ये भरोसा दिला सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो यादव परिवार से नहीं होगा? भरोसा दिलाइए। समाजवादी पार्टी का, हाँ मैं बता रहा हूँ, जवाब तो ले लीजिए। समाजवादी पार्टी का जब भी अध्यक्ष चुना जाता है तो राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रदेश अधिवेशन होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, और राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन करे। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय अधिवेशन में ये चीजें होती हैं, कमेटी तय करती है, वहां भी तय हो जाएगा। तो भैया आवेदन तो करे, आवेदन करे तब। ये तो आपने वो डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया ना, ये डिप्लोमेटिक आंसर है। आप मुझे आप मुझे ये क्या साबित करके बताएंगे या भरोसा दिलाएंगे अगला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा समाजवादी पार्टी का वो यादव परिवार से नहीं होगा? आजम खान साहब काबिल नेता नहीं थे, संस्थापक सदस्यों के अंदर से थे। आप जो चाचा की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, क्या चाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लायक नहीं थे 2017 से पहले? मुलायम सिंह यादव संस्थापक अध्यक्ष, मुलायम सिंह ने अपनी बागडोर सीधे सीधे अखिलेश यादव को सौंप दी, अखिलेश यादव डिंपल या अर्जुन को सौंप देंगे? परिवारवाद को आप पूरी तरह से परिभाषित कर रहे हैं आप। भाई साहब बोलना अच्छा लगता है, सुन भी लीजिए, जवाब भी ले लीजिए। अगर आप समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, इस बार जब भी राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, आइए आप भी आवेदन करिए, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए आवेदन करिए, आइए सदस्यता लीजिए पार्टी की, आप भी आइए। जिसको भी अध्यक्ष बनना है समाजवादी पार्टी का, वो अध्यक्ष बनना हो वो आए। एक जन ने तो सदस्यता ली थी, विधायक बना, एक जन ने सदस्यता ली थी वो विधायक बने, वो रोना रो रहे, उनको विधायक दल की बैठक में नहीं बुला रहे, आप मुझे बुला रहे हैं मैं सदस्यता करूं, आप मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? धन्य हो, मैं ताली बजा देता हूं आपके इसके बयान के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। सपा नेता महंगे आ रहे हैं, पल्लवी पटेल जी भी नहीं आई थी, अगर आपको जानकारी हो, अधूरी जानकारी के साथ मत आइए। पल्लवी पटेल जी भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही विधायक है, वो भी उस बैठक में नहीं बुलाई। ठीक है, मैं दिवाकर जी कुछ कह रहे हैं, सदस्यता की बात आई, अभी आपने सदस्यता का लेके मुझे न्योता दिया ना, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, आप ही के बयान पे मैं काउंटर कर रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आप अध्यक्ष चेंज करना चाहते हैं ना, तो आइए आप ही आवेदन करिए कि हमारी पार्टी से कोई व्यक्ति आवेदन ही नहीं करता अध्यक्ष के लिए, किसको बनाया? आप उसका भरोसा दिलाइए ना, आप उसका भरोसा दिलाइए कि अगला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा यादव परिवार से नहीं होगा, आप क्या भरोसा दे सकते हैं? मैं बोलता हूँ आप बनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने आवेदन करिए, आप आवेदन करिए इस बार, आप आवेदन करिए इस बार, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, आप यादव परिवार से तो नहीं, आप दूसरे यादव हैं, आप करेंगे?
जब मेरा मन नहीं करेंगे असल में नितिन जी क्या समाजवादी पार्टी का यही होना है शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं इनके पास जवाब तो रहता नहीं है ठीक है लेकिन ये दूसरे के ऊपर फटाफट आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं दिवाकर जी कुछ कह रहे हैं दिवाकर जी आरोप आप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी का मैं आरोप लगा रहा हूँ मेरे आरोप में 110% सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी समाजवाद को परिभाषित नहीं करती है समाजवादी पार्टी परिवारवाद को परिभाषित करती है और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ मैं आप मुझे अगर भरोसा दिला सकते हैं बोल दीजिए प्राइम टीवी चैनल के माध्यम से आप डिबेट के अंदर बैठे हैं उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है आप मुझे भरोसा दिला दीजिए कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का यादव परिवार से नहीं होगा और भरोसा दिलाइए ना आप भरोसा दिला नहीं सकते मुझे आप आवेदन करिए चलिए आप ही आवेदन करिए आप आवेदन करिए अगर आपको अपनी पार्टी के ऊपर इतना ही भरोसा है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती आप साबित कर दीजिए ना आप साबित नहीं करेंगे ठीक है हाँ, आरोप जो आप लगा रहे हैं दूसरी पार्टी का संविधान संविधान हमारी पार्टी का कोई संविधान नहीं आप समाजवाद की परिभाषा बता दीजिए आप संविधान की बात करते हैं एक मिनट सुन लीजिए ना समाजवाद की परिभाषा बता दीजिए मुझे चलिए समाजवाद को परिभाषित कर दीजिए आप मुझे समाजवाद को परिभाषित कर दीजिए आप संविधान की बात कर रहे हैं समाजवाद को परिभाषित कर दीजिए करिए हम लोग सुन ले हम लोग नहीं जानते बताइए जरा नहीं हम आरोप लगा रहा हूं मैं अभी आरोप लगा रहा हूं मैं और मेरे आरोप में सच्चाई है आरोप लगा रहा हूं मैं तो मैं बता रहा हूं आपको चैलेंज कर रहा हूं आप मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है और वो परिवारवाद को ही परिभाषित करती है समाजवाद को परिभाषित नहीं करती ठीक है प्लीज ठीक है दिवाकर जी कुछ कह रहे हैं ठीक है दिवाकर जी की सुन लीजिए दिवाकर जी क्या कह रहे हैं दिवाकर जी मयंक जी बहुत अच्छा आपने कहा हम किसी भी घटना की हमारी सरकार निंदा करती है और उसी के लिए हमारा प्रशासन सदैव तत्पर रहता है मयंक जी सुनिएगा और तुलना जब करना होगा तो आप अपने पुराने इतिहास को देख लीजिए आपके सरकार में जेल से राज चलता था सुन लीजिए जेल से गुंडे राज चलाते थे और हमारी सरकार में बुलडोजर चलता है गुंडे रोड पे नहीं रहते हैं सुन लीजिएगा और घटना जो किया है पुलिस तत्पर है प्रशासन तत्पर है बक्से नहीं जाएंगे घटनाएं नहीं होनी चाहिए लेकिन यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन है पुलिस है कुछ अपराधी आप जो कह लीजिए मैं नहीं कहता अपराधियों की कोई जात धर्म नहीं होता हम लोग कहते हैं किसी जात धर्म के अपराधी नहीं होते लेकिन क्षणिक घटनाएं होती है सरकार उस पर पूरा तन्मयता से लगी रहती तुरंत एक्शन लेती है और अपराधी बचते नहीं सरकार में चाहे कितना भी प्रभावशाली हो आपकी सरकार में तो FIR तक नहीं लिखा जाता था आप क्या बोलेंगे घटनाएं कहां बताएंगे हमारी सरकार में कोई घटना हुई ऑनलाइन FIR करिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है मयंक जी गुंडे जो है भीख मांग रहे हैं तख्ती लगा के आ रहे हैं कि मुझे सरेंडर कराइए ये हमारी सरकार किसी को बख्शेगी नहीं और जो घटनाएं दो चार आपने बताई छिटपुट घटनाएं मैं उसकी निंदा करता हूं गैंगवार अगर हो गया है तो उसकी भी निंदा करता हूं गैंगवार को आप बता रहे हैं आपसी प्रॉपर्टी के झगड़े को जो निकल के आया है आप हमें बता रहे हैं जो आपसी प्रॉपर्टी का झगड़ा जांच में निकल के आया है जो गैंगवार हुआ है आप बता रहे अपने भाई को क्या बताया है वो निकल के सब आ जाएगा और धैर्य रखिए गुंडे बक्से नहीं जाएंगे अपराधी जेल में होंगे अपराधी जान के भीख मांगेगा अगर अपराधी होगा बक्से नहीं जाएंगे तख्ती लगा के आए सरेंडर करने और आपकी सरकार जो थी जेल से हुकुम चलता था थाने में डीजी नहीं जो उनकी डीजी तो फाड़ दी जाती थी FIR फाड़ दी जाती डीजी रजिस्टर फाड़ दिया जाता था आपके ब्लॉक के अध्यक्ष के द्वारा आपके ब्लॉक के अध्यक्ष के इतनी पावर होती थी कि थाने में FIR नहीं लिखा जाता जब तक वो देख नहीं लेता था आप क्या बात करेंगे अपनी तुलना करिए कहां आप कह रहे हैं पुरानी कहावत नहीं कहना चाहूंगा नाराज हो जाएंगे आप जो है प्रश्रय देने वाले लोग रहे अपराधियों को और उसी की बात करते हैं इसमें सरकार किसी को प्रश्रय नहीं देते गुंडा है तो गुंडा है किसी जात धर्म का नहीं है गुंडा समान व्यवहार ठीक है जवाब दे दीजिए माननीय चार चार घंटे भारतीय जनता पार्टी के नेता बनारस जेल में नाश्ता डिनर वो आपका व्यक्तिगत है कोई आरोप इस आरोप को व्यक्तिगत हम आपके मानते हैं कोई आरोप किसी पे लगा दीजिए आप तो अपने आदरणीय शिवपाल जी को नहीं बख्शे जिन्होंने कुर्बानी पार्टी ने दे दी आजम खां के प्रतिनिधि जो बयान दे रहे हैं आप क्या बोलेंगे अरे वंश मैन रूल है चलाइए संविधान केवल नाम का है वंश मैन रूल है हमारे भाई कह रहे थे वंश मैन रूल है आप में पता नहीं हमारे में है अभी चुन के आए हैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे सुन लीजिए सुभाष यदुवंशी भाषण आजमगढ़ में दे रहे थे सुन लीजिए
कहे कि इस पार्टी में कम से कम मैं भी अध्यक्ष हो सकता हूं, आज वो विधायक हो गए और उस सरकार में प्रदेश का अध्यक्ष नहीं हो सकता। आप क्या बताएंगे अपने संविधान को? आरोप लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन सरकार जो अच्छे काम करती है समय कम है, प्लीज समय कम है, अच्छे काम की प्रशंसा भी करिए। जी के पास जाएंगे भाई, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के तमंचे उत्तर प्रदेश में खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, अपराध कहीं नहीं कर रहे हैं, आपको सड़क पर उतरिए उसके खिलाफ, बहुत जरूरत है। पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, ठीक है, कोई गुंडाई नहीं कर पाएगा। अगर गुंडा है तो जेल में जाएगा, ठीक है, ठीक है, मनीषी के पास चलेंगे, जेल की सलाखों में जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्लीज हो गया आप लोगों का, मैंने बता दी है, ठीक है, आप लोगों का समय कम जाएगा या तो जेल में जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज 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 सुन लीजिए, ठीक है। दिवाकर जी, मयंक भाई, मनीष जी, लास्ट में मैं आपके पास आता हूं, अब आगे की क्या रणनीति और आगे की क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों की हो सकती है, जिस तरह से ये जो सुगबुगाहट उठ रही है, चाहे शिवपाल यादव को लेकर के, चाहे आजम खान को लेकर के? पाल जी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ट्विटर पर फॉलो कर लिया, उसके बाद में योगी जी को फॉलो कर लिया, उन्होंने नागरिक संहिता को लेकर भी अपना एक वक्तव्य जारी कर दिया कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, जो कि सपा से या सपा की जो समाजवादी विचारधारा उसके ठीक उल्टा है। तो शिवपाल जी ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली, लेकिन भाजपा अभी देख रही है और तौल रही है स्थिति है। इस बीच में एक नया डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये हुआ है कि शिवपाल जी और आजम खान, शिवपाल जी ने आज ऐसे कहा है हम आजम खान से मिलने जाएंगे, तो आजम को जिस तरह के अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम से जो मिलने जाते हैं दिक्कत नहीं, पर्सनल मुलाकाते हैं, आप मिलने जाइए, जिस जैन जी के लिए भी कहा, तो ये जिस तरह से आजम खान की ओर अब राजनीति जा रही है, ये प्रदेश में एक नया करेगी और आपको आने वाले समय में दिखेगा ये जो माई फैक्टर है, ये माई फैक्टर आज तक जो है वो पूरी तरह से सपा का माई फैक्टर है, यानी मुस्लिम और यादव जो वोट बैंक है वो अखिलेश यादव का वोट बैंक माना जाता है। तो किस तरह से इस वोट बैंक में क्या सेंध लगाई जा रही है, क्या आजम खान एक विद्रोही नेता बन रहे हैं, क्या शिवपाल जी भी विद्रोह के साथ उनके साथ जुड़ रहे हैं, जैन की क्या भूमिका होगी, तो नए समीकरण धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। अब ये किस तरह से अखिलेश यादव इसको हैंडल करते हैं, क्या वो इन विरोधियों को, अपने बागियों को, इनको मना पाते हैं, क्या उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, ये आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में ये तो बात हो गई, ये चर्चा हो गई राजनीतिक, लेकिन एक अहम चीज ये है कि लगातार उत्तर प्रदेश में जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपकी और हमारी सतर्कता ही सबसे बड़ी सावधानी है। सतर्क रहिए, चेहरे पर मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए कोविड से दूरी बनाइए, क्योंकि अभी अगर आपने कोविड से दूरी बना ली तो जाहिर सी बात है इस बार कोविड उतना भयानक रूप नहीं ले पाएगा। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।